हाय एवरीवन, मैं हूं अनुराधा। मैं आपका स्वागत करती हूं मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी आपका खाने का मन करे तब आप फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए हम गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 kg गाजर ली है और इसको छील के धुल के कद्दूकस कर लिया है। 200 ग्राम चीनी ली है, 400 ग्राम खोया लिया है, 4-5 इलायची छीलकर कूट ली है, 10 से 20 काजू लिए हैं और छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और बादाम भी 10 से 20 लिए हैं, इसको भी छोटे टुकड़ों में काट लिया है, 10 से 20 किशमिश लिए हैं, इसको हम सजा ही रखेंगे, और 6 चम्मच घी लिया है। अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे। घी को ज्यादा गर्म नहीं करेंगे और इसमें गाजर डाल देते हैं और गैस का फ्लेम हाई करेंगे। 5 मिनट तक इसको भूनेंगे। और इसको बराबर 5 मिनट तक चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी और हलवे में स्मेल आने लगेगी और ये खराब हो जाएगा। हम इस तरीके गाजर को भूनेंगे तो गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें चीनी डाल देते हैं और चीनी को घुल जाने देते हैं। हम जब तक चलाते रहेंगे तब तक ये चीनी पूरी तरीके घुल ना जाए। इसके बाद हम 5 मिनट तक इसको ढक के रख देते हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अब हम इसका ढक्कन उठा के देखेंगे कि गाजर गली कि नहीं गली। इस तरीके देखेंगे, हाथ से गाजर गल गई है। अब गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और बराबर इसको चलाते रहेंगे जब तक इसका पूरा पानी सोख न जाए। गाजर का हलवा जब भी आपका फास्ट हो या कोई फेस्टिवल हो तो फटाफट बना के सबको खिला सकते हैं। गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाए जाते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसमें फाइबर, बटर, शुगर, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं। पानी पूरी तरह सोख गया है। अब इसमें खोया डालेंगे। खोया डाल के इसको मिक्स कर देंगे और बराबर चलाते रहेंगे, जलने ना पाए। खोया मिक्स हो गया है।
हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। बादाम, काजू, किशमिश और इलायची पाउडर और इसको डाल के मिक्स कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा हलवा बनके तैयार हुआ है। इसके प्रोसेस में 15 से 20 मिनट लगे हैं। अब हम इसको बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम बचे हुए ड्राई फ्रूट को गार्निश करते हैं। अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी खाइए और दोस्तों को भी खिलाइए और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।